बिसम्ल महमदूल الطاهرين चलो किताब पढ़ें कैंपेन की सीरीज़ लाइव बुक रीडिंग के दसवें सेशन में आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक के तमाम सेशंस को आपने बखूबी सुना होगा और देखा होगा आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग कुरान करीम के दसवें पारे के बारे में गुफ्तू करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पारे में हमारे लिए कौन कौन से तफसीरी नुकात को रखा है यकीनन इस कम मुद्दत में आपके सामने तमाम तर नुकात को बयान नहीं कर सकते हैं लेकिन कोशिश यही है कि जहाँ तक के पॉसिबल है वहाँ तक के आपके सामने कुरान के पैग़ाम को रखा जाए इस पारे की शुरुआत होती है सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 41 वन से कि जहाँ पर अल्लाह ताला इशात फ़रमाता है कि आउिल मिन शैतानजीम बसमिलरीम वम नुमिन शैन फ़ैन लोसा यहाँ पर खुम्स के हवाले से काफ़ी कुछ बातों को बयान किया गया है लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग का मेथड यह है कि हम लोग किसी भी अहकाम के मसले को क़ुरान के ऊपर से खाली बयान नहीं करते हैं लिहाजा ने इस काम को आसान बनाने के लिए अपनी किताबों में यानी तोज़ील मसाइल में यानी रसालों में इस तरीक़े से इन मसाइल को बयान कर दिया है कि जो तमाम तर आयात और अहदीस का कंक्लूजन है तो लिहाजा अगर आपको ख़ुम्स के मसाइल देखना है तो आप लोग उन किताबों की तरफ जाकर ख़ुम्स के मसाइल को देख सकते हैं अगला पॉइंट जो आपके सामने बयान करना है वो आयत नंबर 53 से है जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताली इर्शात फरमाता है कि ज़ाका बेकुम़ नमत कौमिन हतु़ैरूमा बेफुस व अन समीआलीम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक के इशारा हो रहा है कि अल्लाह तबारक वाली कब इंसानों की ज़िंदगी को तब्दील करता है कब इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर या कब इंसानों की ज़िंदगी को बदतर करता है तो यहाँ पर साफ़ अल्फाज में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को अपनी नेमत से नवाजता है तो वो उस वक्त तक के उस अपनी नेमत को वापस नहीं ले लेता है और उनकी हालत को बदल नहीं देता है जब तक कि वो खुद नहीं चाहते हैं यानी दोनों तरफ से ये बात सही है कि अल्लाह अपनी नेमत को वापस लेने में भी और अल्लाह ताला अपनी नेमत को देने में भी इस बात को देखता है कि आपका एफर्ट क्या है लिहाजा अगर आप ये देख रहे हैं कि आज को हमारे समाज में इकोनॉमिक के लिहाज से एजुकेशन के लिहाज से हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं और हमें अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है तो ये अपलिफ्टिंग अल्लाह ताली की तरफ से तब होगी कि जब हमारी तरफ़ से भी एक कदम बढ़ाया जाएगा ताली का एक हाथ हमारी तरफ से बजेगा तो एक बरक़त अल्लाह ताला की तरफ से आएगी और इसके बाद मतद्द आयात के अंदर कुफ़ार के हवाले से और दूसरी बातों के हवाले से सूर्य अनफ़ाल के अंदर गुफ्तू की गई है और उसके बाद शुरू होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरा कि जिसका नाम है सूर्य तोबा और इसकी शुरुआत होती है बरा आत मिनल्ह व रसूल ही से लिहाज़ा आपको पता चल गया कि इस सूरे की शुरुआत बिस्मिल्लाह से नहीं होती है ये कुरान का वो एक वाहिद सूरा है कि जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से नहीं होती है ने इस बात की तफसीर की है और मुतादिद रवायात के अंदर भी इसका इशारा हुआ है कि इसकी शुरुआत में जो बिस्मिल्लाह का तस्करा नहीं है इसका रीज़न ये है कि ये सूरा और उसकी शुरू में जो आयात हैं वो उन मशरकिन के बारे में है कि जिन्होंने अपने अग्रीमेंट को तोड़ दिया जिन्होंने अपने अहदोपमान को तोड़ दिया और यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहा है अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से बेजारी है अल्लाह ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहा है उन लोगों की बनस्पत तो लिहाजा कैसे हो सकता है कि वो बिस्मिल्लाह की जो फ्रेज थी वो एक अलामत थी साइन थी किस चीज़ के लिए पीस के लिए मोहब्बत के लिए दोस्ती के लिए रहमत के लिए, लिए राफ़त के लिए तो एक तरफ वो बिस्मिल्लाह है और एक तरफ नाराज़गी है इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूर्य की शुरुआत में बिस्मिल्लाह का तस्करा नहीं किया है और अपनी गुफ्तगू को विदाउट बिस्मिल्लाह शुरू किया है साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक बात को और जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये आयात नाजिल हुई तो जो मश्रक थे वो एक्चुअली कुछ ऐसे काम उस टाइम पे करते थे कि जो बहुत ही नाशाइ काम हुआ करते थे मिसाल के तौर पे वो आते थे काबे के पास बग़ैर कपड़ों के बरहना आकर काबे का तवाफ़ किया करते थे तो लिहाजा इस पैमान की जो उनकी तरफ़ से कुछ गलतियाँ हुईं इस पर मुसलमानों की तरफ से और अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि अब आपके ऊपर वो सारे काम जो आप पहले किया करते थे वो काम आपके ऊपर जायज़ नहीं है और आपका और हमारा कोई इस हवाले से ताल्लुक़ नहीं है तो लिहाजा वो कुछ ऐसे काम थे कि जो इस पैमान शिकनी के बाद से उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर उनको मना कर दिया गया इस इन सब कामों का अंजाम देने से और ये तमाम तर बातों को जाकर उन्हें अनाउंस करना था इन आयत के ज़रिए से तो लिहाजा जब आयत नाजिल हुई तो पैगंबर ने अपने सहाबी अबू बकर को इन आयत को सपुरद किया कि आप जाकर इन आयत का ऐलान उनके उनके लिए कर दें लेकिन फ़ौन जब अबू बकर वहाँ से निकल गए तो फ़ौर जबरइल नाजिल हुए और उन्होंने आकर ये कहा कि ए पैग़म्बर अल्लाह ने यह कहा है कि या तो आप ख़ुद जाकर इन आयत का ऐलान कीजिए या फिर कोई ऐसा फ़र्द जाए जो आप से हो आप से हो क्या मतलब यानी आप के जैसा हो आपका जानशीन हो आपका नफ्स हो वही जाकर इन आयत का एलान कर सकता है तो फौरन नबी ग्रामी इस्लाम ने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगाई और आपसे कहा कि आप जाइए और रास्ते से अबू बकर से इन आयत को वापस लेकर आप जाकर मशरकिन के लिए इन आयत का ऐलान कीजिए शायद इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी हो कि यकीनन अबू बकर पहले उन्हीं मशरकिन की फ़हरस्त में थे और बाद में उन्होंने इस्लाम का इख्तियार किया था तो लिहाजा मुमकिन है अगर वो जाते तो वहाँ पर उनको अपने पहचान वाले लोग नज़र आ जाते हो सकता था कि उनके दिल में उनके लिए रहमोक्रम आ जाता लिहाजा यहाँ पर क्योंकि मशरकिन के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज में इस बात का ऐलान करना था इसलिए पैगंबर ने उनसे इन आयत को वापस ले लिया और उनसे उनको इजाज़त नहीं दी कि वो जाकर इस बात का ऐलान करें लिहाजा इमाम अली अलीलाम जुहफ़ा नामी जगह पर पहुँचे और आपने इस बात का ऐलान किया कि आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप इन आयत को जाकर ऐलान करें और इन आयत को आप वापस करें और इमाम अली अलीसाम ने जाकर इन आयत का ऐलान किया उन्होंने बाद में आकर इस बारे में उसके रीज़न को पूछा तो अल्लाह ताला ने जो आयत जो बात नाजिल की थी जनाब जबरील के ज़रिए से वो रसूल ख़ुदा ने उनको सुना दी तो लिहाजा यहाँ से मालूम होता है कि इमाम अलीसम इस लिहाज से पैगम्बर के ऐसे जानशीन थे कि आपके नफ्स थे आपसे थे लिहाजा बाद में इमाम अलीमाम से जब हुकूमत को छीना गया तो आपने इस बात का एलान किया और एक इसहाद के तौर पे इस दलील को पेश किया कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब सूर बरात सूर तोबा की आयात का ऐलान करना था तो वहाँ पर रसूलुल्लाह ने उसको चुना कि जो उनके नफ्स या उनसे थे और वो कोई और नहीं मैं हो मैं था तो लिहाजा इमाम अली अलीसम ने इस तरीक़े से अपना इस्तहा पेश किया है और ये आयत उनके लिए एक फ़जीलत को बयान कर रही है इसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर अट्ठारह के अंदर अल्लाह तम आता है कि इन न मर व मसाज़दल वल मनबिल्हल आख़र के मसाजिद को मस्जिदों को वो लोग आबाद कर सकते हैं कि जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं हम देखते हैं कि आमतौर से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ज़ाहरी तौर पर भी ऐसे नहीं हैं और उन्होंने मस्जिदों को बनाया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक रूहानी आबाद करने की बात हो रही है बहुत सी मस्जिदें होती हैं जहाँ पर हज़ारों लोग आकर नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वो रूहानी तौर पे आबाद नहीं होती है लेकिन एक मस्जिद मुमकिन है कुछ ही लोगों के ज़रिए से आबाद हो जाए लिहाज़ा हमारी ज़िम्मेदारी है कि मस्जिदों को रूहानी तौर पर आबाद करें ज़ाहिर सी बात है कि रूहानी तौर पर आबाद करने की एक शर्त यह है कि ज़ाहरी तौर पर भी मस्जिद आबाद नज़र आए लिहाजा ये आयत हमें इस बात की सीख दिखाती है और सीख बताती है इसके बाद वाली आयत जो है अजाल तुम सिका यहादी सभी वाक्य कुछ इस तरीके से था कि अब्बास के जो पैगम्बर के चचा थे और शैबा वहाँ पर बैठे हुए थे और गुफ्तगु कर रहे थे और उनकी गुफ्तु इस बारे में थी कि कौन ज़्यादा बाफजीलत है तो शैबा ने पलट कर ये कहा कि क्योंकि मेरे पास ख़ान क़बा की चाबी है लिहाजा मैं बाफजीलत हूँ पलट कर अब्बास ने कहा कि क्योंकि मैं मस्जिद और काबे में आने वाले हाजियों की शिकायत करता हूँ उनको पानी पिलाता हूँ उनको सैराब करता हूँ लिहाजा मैं बाज़ीलत तर हूँ लिहाजा यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फर्मा थे और उन्होंने कहा कि मैं हालांकि उम्र में आप लोगों से कम हूँ लेकिन मेरे पास एक ऐसी फ़जीलत है जो आपके पास नहीं है मैंने अल्लाह की राह में ऐसे जहाद किया और इतना उस जहाद में मैंने जहमतें और मशक्क़तें झेली कि जिसके नतीजे में आप जैसे लोग इस्लाम के गर्विदा हो गए बस ये कहना था कि जहाँ पर अब्बास और शहबा को ये बात अच्छी शायद नहीं लगी और उन्होंने जाकर पैगंबर से शिकायत की कि अली ने इस तरीके से कहा है पैगंबर ने इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया और इस बारे में गुफ्तू कर ही रहे थे कि जब यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने यह बात साफ़ कर दी कि देखो मस्जिद की चाबी अपने हाथ में रखना फजीलत नहीं है अगर मस्जिद में आने वाले लोगों को तुम पानी पिला देते हो तो ये फजीलत नहीं है फजीलत यह है कि जो इमाम अलीमाम के पास है कि उन्होंने वो ईमान का मुजाहिरा किया कि जो किसी और ने नहीं किया उन्होंने रोज़े क़यामत पर ईमान रखा जो किसी और ने उस वक्त नहीं रखा उन्होंने आकर अल्लाह के राम में ऐसा जहाद किया जो किसी और ने नहीं किया और यहाँ से ये बात वाज हो गई कि उनके दरमियान में सबसे बफ़ीलत कौन था इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आयत नंबर थर्टी टू थर्ट थ्री के अंदर सूर तब की अल्लाह ताला ने इस तरीके से शाद फ़रमाया है कि हुरसल रसूल बिलुदावदीनद्दीनकल्ह अल्लाह ताला यहाँ पर वादा दे रहा है कि अपने दीन को एक ऐसा ज़माना आएगा कि तमाम दूसरे दीनों के ऊपर इसका परचम लहराएगा और वो ज़माना कोई और ज़माना नहीं बल्कि इमाम ज़माना इमाम महदी अज्जल अल्लाह तरज व शरीफ़ की हुकूमत का ज़माना होगा इसके बाद वाले सफ़े पर हम देखते हैं कि आयत नंबर थर्टी सेवन में अल्लाह ताला इशात फरमा रहा है कि इन नमन नसी और ज़्यादत फिलकुफ़र आपको पता है कि चार ऐसे महीने हैं कि जिनको माह हराम कहा जाता है माह हराम का मतलब ये होता है कि इनका अहतराम हद से ज़्यादा होता है और ये क़ानून है इस्लाम के अंदर कि अगर कोई जंग चल रही है कोई लड़ाई चल रही है तो इन चार महीनों के अंदर वो जंगें रुक जाया करती थी ये चार महीने कौन कौन से हैं जीकादा जिलहिजा, मुहर्रम और रजब लेकिन उस ज़माने में जो अरब जाहली के पैरोकार थे उन्होंने ये एक तरीक़ा अपनाया था कि कभी कभी अगर उनकी जंग ख़त्म नहीं होती थी तो वो आकर महीनों को शिफ्ट कर दिया करते थे वो कहते थे कि हम मुहर्रम में इस मरतबा लड़ाई लड़ लेंगे और सफ़र को आकर माह हराम बना देंगे तो ये जो दीनी मसले की शिफ्टिंग थी इसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये काम करने से तुम्हारा कुफ्र कहीं ज़्यादा हो जाएगा तुम और ज़्यादा काफिर होते चले जाओगे लिहाजा अल्लाह ताली ने हमें ये साफ़ अल्फाज में हमारे लिए वाज कर दिया कि ये जो नसीह का काम है ना नसीह का मतलब होता है नसीह से इस वर्ड को आप आ, मिसाल दे सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं नसीह का मतलब होता है उधार लेना यानी आप पैसे को अभी देने के बजाय बाद में देते हैं लिहाजा आप जा बजा कर देते हैं शिफ्टिंग कर देते हैं ये शिफ्टिंग वाला काम जो है इसके हवाले से अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे कुफ्र में इजाफ़ा कर देगा आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आकर क्या करते हैं दीन को अपने एतबार से आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं इस मसले को ऐसे कर देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी इस मरतबा इस वाक़े को ऐसे कर देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी तो लिहाजा जो लोग अपने सलीके से दीन के मसाइल को ऊपर नीचे कर लिया करते हैं उनके लिए ये आयत साफ़ अल्फाज में बता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये काम बायस बने कि आप काफिर बन जाएं और आपके आपका ईमान आपके हाथ से चला जाए इसके बाद आयत नंबर 61 में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से इर्शाद फरमाया है कि लोग कहते हैं कि आप उज़ून हैं उज़ून का मतलब होता है कान यहाँ पर अगर किसी फ़र्ज के लिए इस्तेमाल हो कि जैसा कि यहाँ पर पैगम्बर अक्रम सल्ला वसम के लिए इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये कि आप सबकी बातों को सुन लेते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्पांस या कोई एतराज़ उस तरीके से नहीं करते हैं वाक़ कुछ इस तरीके से था कि अब्दुल्लह बिन नब्तल नाम का एक शख्स था कि जो मुनाफिक था वो पैगम्बर के पास आकर बैठता था और पैगम्बर की बातों को दुश्मनों तक के पहुँचाता था जनाब जब्रैल आए और इतला दी और ख़बर दी कि यह फ़र्द ऐसा है जनाब हज़रत महमद मुतफ़ा सल्ला वल्म ने जब ये इबन नब्तल आया तो उससे कहा कि जबराइल ने मुझे बताया है कि तुम मुनाफिक हो इसने पलट कर उस बात पर भी झूठ बोला और इस तरीके से कहा कि नहीं मैं मुनाफिक नहीं हूँ मैं तो आपकी तरफ़ हूँ और जब इस मजलिस से बाहर गया इस जम से बाहर गया तो उसने जाकर अपने दोस्तों से दोबारा ये कहा कि देखो मैंने उधर से जबराईल ने आकर कहा था और इधर से मैंने कहा तो पैगम्बर ने फिर मेरी बात को मान लिया तो यहाँ पर यह आयत नाजिल हुई कि तुम ये मत समझो कि अगर पैगम्बर तुम्हारे ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वह हर बात को माने ले रहे हैं नहीं इस तरीके से शाद हुआ कुल खैर खैरिनलकों कि पैगंबर का इस तरीके से मान लेना यही तुम्हारे लिए अच्छा है ये पैगंबर का अखलाक है जो इस तरीके से वो कर रहे हैं वरना अगर अल्लाह ताला देखे तो अल्लाह ताला, ताला यहाँ पर अजाब के बारे में वादा दे रहा है कि अल्लादीना युजूना रसोल्लाम अजाबनलीम के जो रसूल्ला को अजियत आज़ार पहुँचाते हैं उनके लिए अल्लाह ताली ने बहुत ही शदीद अज़ाब तैयार कर रखा है अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आयत नंबर 64 और 65 की तरफ सूर तोबा की कि जहाँ पर जंग तबूक का वाकया है जंग तबूक के बारे में तो आप जानते हैं जंग तबूक की ख़ासियत ये थी कि इमाम अली सलाम इस जंग में पैगंबर के हमराह नहीं थे अब आप जान लीजिए और तस्वर करिए और अंदाज़ा लगाइए कि जिस जंग में पैगंबर की सबसे बड़ी कुदरत उनके साथ ना हो इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके साथ ना हो तो अब क्या हुआ कुछ ऐसे मुनाफिक के जो पैगंबर के सहबियों की शक्ल में पैगंबर के साथ मौजूद थे उन्होंने एकदम से ये प्लान बनाया कि हम लोग जंग तबुक से वापसी के वक्त पैगम्बर को किसी तरीके से शहीद कर देंगे तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि जब पैगंबर एक ऐसी जगह से गुजर रहे होंगे कि जहाँ पर उनके नाके को किसी तरीके से इस धक्का दे दिया जाए कुछ कर दिया जाए कि जो नाका गिर जाए और उसके नतीजे में पैगंबर को भी शहीद कर दिया जाए अब ये उनका प्लान जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ तो उधर से जबराइल ने आकर यह इत्तला पैगंबर को दे दी कि कुछ ऐसे मुनाफिक हैं कि जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं और उसके बाद ये वाक़ जब रूनुमा हुआ तो पैगंबर के साथ जनाब अम्मा यासिर हुज़ैफा बिन यमान साथ में थे जैसे ही पैगंबर ने उन लोगों को देखा तो पैगंबर ने हुज़ैफा से कहा कि जाकर उनके जो मरकब हैं जिससे जिन घोड़ों के ऊपर वो सवार होकर आए हैं उनके चेहरों पर जाकर मारो ताकि वो एक तरीके से वहाँ से चले जाएँ और भाग जाएँ हज़ैफ़ा गए उन्होंने उन लोगों को हकाया और वो लोग वहाँ से चले गए अब जब हुज़ैफ़ा पलट कर वापस आए तो लिहाजा जो प्लान उन्होंने बनाया था वो कंप्लीट नहीं हो सका अलहमद पैगंबर सही सही सालिम बाकी थे तो जब हुज़ैफ़ा पलट कर वापस आए तो हुज़ैफ़ा से पैगंबर ने पूछा कि क्या तुम पहचान पाए कि वो लोग कौन थे किस कबीले से थे तो हुजैफा ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं पहचान पाया तो पैगम्बर ने नाम ले लेकर कहा कि देखो ये फ़लानी और फ़लानी और फ़लानी थे और उन्होंने आकर मेरी जान के ख़िलाफ़ इस तरीक़े का प्लान बनाया था अब जब ये लोग पलट कर वापस गए और पैगंबर ने इन लोगों को देखा तो वो लोग जब पैगंबर के सामने आए तो पैगंबर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने पलट कर एक ऐसा एक्सक्यूज़ दिया कि जो ख़ुद उस गुनाह से बदतर था कभी कभी इंसान एक गुनाह करता है और मान लेता है तो ये सही होता है कि गुनाह को मान लिया ख़ता को मान लिया लेकिन कभी कभी गुनाह करने के बाद एक इंसान ऐसा एक एक्सक्यूज़ देता है ऐसा बहाना बनाता है कि वो बहाना उस गुनाह से ज़्यादा बुरा हो जाता है यहाँ पर आके उन लोगों ने क्या कहा व अब जब तुम उनसे पूछो कि तुमने ये काम क्यों किया तो वो लोग क्या कहेंगे कि हम तो सिर्फ खेल रहे थे हम तो सिर्फ मज़ाक कर रहे थे यहाँ पर अल्लाह ताला का लहजा देखिए कि कुल अबिल्लाह व आयाती ही व रसूल ही कुन तुम तस्ताज़े क्या तुम अल्लाह के साथ अल्लाह की आयात के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ इस कर रहे थे मज़ाक कर रहे थे तो लिहाजा यहाँ पर शदीद अल्फाज में अल्लाह ने उन लोगों के इस प्लानिंग के ऊपर पानी फेरा और इस तरीके से उनकी मजम्मत की तो लिहाजा यहाँ से कई रिवायतों के अंदर बायदा नाम लेकर उन लोगों का तस्करा हुआ है इसके बाद गुफ्तु आगे बढ़ती है कुछ मुनाफिक कुछ मुश्किन सबकी गुफ्तु होने के बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 80 के अंदर इस तरीके से उशात फरमाता है इस तगफ़िर लहम अला तस्त फ़िर लहम इन तस्तगफ़िर लहम सबीर फ़लई ग़फ़िरल्लाहम कि अगर आप उनके लिए इस्तफार करें अगर आप उनके लिए सत्तर मरतबा भी इस्तफार करेंगे तो अल्ला उनको नहीं बख्शेगा यहाँ से कई बातें समझ में आती हैं पहली बात तो यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके लिए नबी सत्तर बार इस्तार करेंगे तब भी वो नहीं बख्शा जाएगा तो ऐसे शख्स के लिए नबी कभी भी इस्तार नहीं करते हैं यकीन नबी जिस चीज़ के मुतक अल्लाह ताली से जो भी मांग जो भी दुआ सामने रखते हैं अल्लाह ताली उसको कभी भी ठुकराता नहीं है उसको कबूल करता है लिहाजा आयम ताहरीन अम्बिया कराम ऐसी दुआ को सामने रखते ही नहीं है कि जिसको कबूल ना किया जाए लिहाजा यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कभी कभी कोई इंसान ऐसा बुरा बन जाता है कि उसके लिए पैगम्बर भी अगर आगे सत्तर मरतबा से कर लेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को फ़ौर के फौरन ऐसे ग्रुप मिला के रख दें कि हमारे लिए तो ऐसा होगा नहीं नहीं हो सकता है कि ये हमारे बारे में भी सही बात हो यानी हम जो अहल बैतम के पैरोकार हैं हम जो बैत बैतुसम के महब हैं कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ क़यामत एम ताहरीन और बैत बैतुस हमारे लिए शफात करना चाहें लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनसे कह दे कि अगर आप सत्तर मरतबा शफात करेंगे तब भी आपकी शफात कबूल नहीं होगी क्यों यहाँ पर आयम ताहरीन उस शख्स शख्स के लिए शफात करेंगे ही नहीं लेकिन बात यह है कि कहीं ख़ुदा न खासा कोई ऐसा ना हो कि जिसके बारे में अहल बैतूल वाम की शफात भी कबूल ना हो लिहाजा अल्लाह से दुआ यही है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हमारी आकेबत ऐसी बनाएं कि हम अहल बैतुम की शफात के मशमूल रहें और यहीं पर सूर तौबा की इन आयत को मद्दनज़र रखते हुए हम लोग अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं उम्मीद है कि दसवें पारे के जो नुकात आपके सामने बयान हुए हैं वो तमाम तर नुकात हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनाएंगे और इन शाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने जो ग्यारहवा पारा है उसके हवाले से अपनी बातों को सामने रखेंगे उम्मीद है आप लोग के सामने जो ये सीरीज़ पेश की जा रही है कि जिसके अंदर हम लोग लाइव तौर पर कुरान जैसी किताब को पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए एक राह बनेगी आगे के लिए आइंदा के लिए कि जहां पर हम लोग बहुत सारी दूसरी किताबों को इसी तरीके से आपके सामने बैठकर रिव्यू करने वाले हैं और उसके बारे में जो उसका खुलासा है उसको बयान करने वाले हैं आप हम लोग के साथ रहें दूसरों के साथ इन क्लिप्स को शेयर करें और सब लोग मिलकर अपनी कौम को अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें और किताबों के साथ रहें किताबों को पढ़ें किताबों का एक एक वर्का हमारी ज़िंदगी में हर हर मरले पर हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है और अल्लाह ताली से दुआ करें कि इन किताबों के सदक़े में हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना दे दें वालिकम वरक